हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक आध्यात्मिक गुरु, एक योगाचार्य श्री हेमंत जोशी जी से। सर संस्थापक हैं श्री सिद्धम योग फाउंडेशन हल्द्वानी के। तो सर, आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। सर, जैसा कि मैं या हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, सब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं, हर कोई अपने स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है, तो योग के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये थोड़ा सा आप बताएंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ कि आप ये जो जन जागरण का कार्य कर रहे हैं एक कोरोना वॉरियर के रूप में, और तमाम उन पत्रकार बंधुओं को, उन तमाम न्यूज़ चैनलों को, उन यूट्यूब चैनलों को और उन सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि घरों में बैठे हुए लोगों तक आप ऋषि मुनियों की उस महान परंपरा को, उस पद्धति को पहुँचा रहे हैं। आपका प्रश्न था कि योग कहाँ तक वर्तमान समय में आजकल की परिस्थितियों में कारगर हो सकता है, तो नीचे ही दीपक जी, ये जो विश्वव्यापी महामारी है वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों से और प्रकृति पर जो हमने अनाचार किया है, जो प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब रूप से इस्तेमाल किया है, उसका ही एक प्रकार का प्रकोप है। जो अंधाधुंध हमने निर्माण कार्य कर दिया, आवश्यकता से अधिक जो लोग शहरों में घूमने आने लगे, और जो अनियमित दिनचर्या होगी, उसका एक ही उपाय है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। जिसका आहार विहार स्वप्न निद्रा चेष्टाएं, स्वप्न और निद्राएं योगमय हैं, उचित हैं, ठीक हैं, जिस तरीके की होनी चाहिए वो हैं, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला होता है। तो ये कोरोना महामारी क्या चीज़ है? हमारे महान ऋषि मुनियों ने, योग के पितामह, आदि पितामह आदिनाथ भगवान सदाशिव और महर्षि पतंजलि ने जो उपदेश बताए हैं, योग के ग्रंथों में जो चर्चा की है, उसमें ऐसी कुछ महान पद्धतियां हैं, कुछ विशेष आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ मुद्राएँ हैं, कुछ बंध हैं, कुछ ध्यान की टेक्निक हैं, जिनके माध्यम से अगर व्यक्ति नियमित करे तो विश्व की किसी भी असाध्य बीमारी पहले तो उसके पास आएगी ही नहीं, अगर किसी कारण आ भी गई है, ये जो संक्रमण की बीमारी है, किसी तरह अगर वो संक्रमित व्यक्ति हो भी गया है तो वह तुरंत ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रिकवर कर लेगा और स्वस्थ हो सकेगा। अच्छा सर, अब देखिए, एक मतलब लेमैन की तरह, जैसे मैं अपनी बात करूं, एक बिजनेसमैन है या कोई नौकरी कर रहा है, तो हमारे लिए योग के दो तीन मतलब हैं। एक या तो प्राणायाम या कपालभाति की बात करते हैं, या अनुलोम विलोम, जिसको हम अपने दिन में सुबह उठ के 5 मिनट कर लेते हैं, तो इससे हम और इसको इफेक्टिव कैसे बनाइए? तो ठीक है, 5-5 मिनट के हमने कर लिए, तो इसमें और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं वो जो हम कर सकें, पर्टिकुलरली आप थोड़ा बताना चाहेंगे? दीपक जी, मैं पुनः अपनी बात पर आपका प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप कितना ही योग करिए, कितनी दवाएँ खाइए, वह असर नहीं करेगा जब तक कि आपकी दिनचर्या और आपकी जीवन शैली ठीक ना हो। लोगों को अपनी जीवन शैली और दिनचर्या ठीक करने की ज़रूरत है। योग अगर कम भी करेंगे, व्यायाम कम भी करेंगे तो चलेगा। एक परहेज और 100 इलाज। 100 इलाज आप करिए लेकिन एक परहेज करिए। बिल्कुल, कोरोना काल में भी परहेज बताया जा रहा है। हाथों को धोइए, बाहर से कहीं आते हैं तो चप्पल बाहर उतार के आइए। एक बार जो कपड़ा आपने पहन लिया, ये कपड़ा पहनकर मैं यहाँ शहर से होकर जाऊँगा, इस कपड़े को लेकर के मैंने घर में प्रवेश नहीं करना है, अलग से कहीं टांग देना है, घर में अलग कपड़े पहनने हैं। जो पहले नियम बताया जाता था, भोजन करने का वस्त्र अलग होना चाहिए और कहीं बाजार जाने का वस्त्र अलग होना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को अमल में लाना है। रही बात विशेष आसनों की, तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप सुबह प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य में का पालन करते हुए, जो युवा हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है साहब? सूर्योदय से पहले। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप 4 बजे उठ जाइए, 4:30-5 बजे जब उजाला होने लगे
तब आपने बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बेशक आप थोड़ी देर अल्प विश्राम दिन में कर लीजिए, सुबह बिस्तर छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने दिनचर्या में नियत हुई है, स्नान वंदन करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए। इस समय जितना अधिक आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जितना अधिक आप अपनी जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनका स्मरण करिए, उनसे इस महामारी से, इस विश्वव्यापी परेशानी से निपटारे के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार एक बार आसन की सीरीज है, कभी आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो जरूर सूर्य नमस्कार का भी अवेलेबल है। आजकल यूट्यूब में लोग मिल ढूंढ सकते हैं, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पे लोग देख सकते हैं। इवन मैं जहाँ पर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहाँ के बच्चों के साथ हमने एक सीरीज चलाई हुई है, बच्चे भी अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का और अन्य आसनों का। उन टेक्निक्स को कर सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी टेक्निक है, जो संध्या वंदन हम करते हैं तो एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, अभी कुछ समय बाद मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, अष्ट कुंभक कहा गया, आठ प्रकार के कुंभक। प्राणायाम है क्या? ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, सिंपल सी। किसी को अगर बताना है, प्राणस्य आयामो इति प्राणायाम, जो विश्व वायुमंडल में जो प्राण तत्व लहरा रहा है, उस प्राण को हमने अंदर खींचना है, उसको इनहेल करना है, कुछ देर उसे रोकना है, फिर उसके बाद अपने अंदर के नकारात्मक तत्व को बाहर निकालना है प्राण, और कुछ देर उस चीज़ को स्थिर करना है। इसी प्रक्रिया को बार बार करना प्राणायाम है, विशेष रूप से सूर्य नमस्कार है और प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ओम उच्चारण है, और अपने आहार का, खान पान का सबसे अधिक ध्यान रखना है। जैसे हम कह सकते हैं गर्मियाँ बढ़ी हैं, लोग फ्रिज का पानी करेंगे, बार बार कहता हूँ अवॉइड करिए फ्रिज का पानी, मटके का पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, सुराही का पानी पीजिए, उबला हुआ पानी पीजिए, और ये फ्रिज को तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। ये टेक्निक जब तक आप अपने खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी भी बीमारी से निजात पाना हम नहीं कर सकते कि इतना आसान होगा। ठीक है, ओके सर, यहीं पे चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए या सफलता पाने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? आप थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि दिनचर्या आपको बदलनी है, तो एक सफल व्यक्ति का जो दिनचर्या वो कैसी होनी चाहिए, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, एक बार उसको थोड़ा सा बता देंगे? दिनचर्या हमारे शास्त्रों में दी है, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक आती है, क्योंकि गीता प्रेस बहुत प्रचलित संस्थान है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें पूरी दिनचर्या लिखी है कि भाई प्रातःकाल उठ करके प्रातः जागरण, धरती माता जो हमें जन्म देती है, धरती माता का स्पर्श करना है, तब बिस्तर छोड़ना है, हमारे हाथों में इन कराग्र वस्ते लक्ष्मी, जो सरस्वती शिष्य मंदिर में बताया जाता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मैं भगवाकरण कर रहा हूँ, मैं संघ को यहाँ पर आगे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हाथों से ही व्यक्ति करता है ना, हाथों की लकीरों में सब कुछ लिखा हुआ है ना, कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा, इन हाथों से कर्म करता है। हाथों का पहले दर्शन करिए आप, करके मध्य भगवान में लक्ष्मी का निवास बताया गया है, सरस्वती का मध्य भाग में बताया गया है, मूल भाग में भगवान विष्णु का बताया, उनका दर्शन करिए, फिर ऐसे हाथों को अपने आँखों पर लगाइए, फिर धरती माता का, पृथ्वी माता का स्पर्श करिए, जो कि पृथ्वी माता हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा भार वहन कर रही हैं, अन्न धन दाल से प्राप्त करते हैं, वहाँ पर उसका स्पर्श करके प्रणाम करेंगे। उसके बाद नित्य कर्म में आप अपने संलग्न हुए, थोड़ी देर योगाभ्यास करिए, अपने इष्ट का ध्यान करें, योगाभ्यास करें, फिर अपने कर्म करें, कुछ देर स्वाध्याय अवश्य करें, और सबसे पहले हमारा सोने का, स्लीपिंग जो डिसऑर्डर्स हैं, बहुत देर तक हम लोग जागरण न करें, 6 से 7 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति को जरूर लेनी चाहिए, 6 से 7 घंटे की, और सबसे पहले जागरण हमारा नियमित समय पे होना चाहिए, शयन हमारे समय पे होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति के लिए दिनचर्या अलग अलग है, विद्यार्थी की दिनचर्या अलग है, गृहस्थ की दिनचर्या अलग है, वृद्ध की दिनचर्या अलग है, महिला की दिनचर्या अलग है, बालक की दिनचर्या अलग है, लेकिन मुख्य बात है जो हर किसी के दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए, शयन जागरण समय पर होना चाहिए, इष्ट का ध्यान जरूर होना चाहिए, अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, जो किसी भी धर्म का आप अनुयायी हों, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी की, जिस भी मान्यता को आप मानते हो, एक जो सनातन शक्ति है उसको आप माने, जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है, जो वाइटल एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो सूर्य चंद्रमा ये जो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान करें, और नियमित रूप से आप अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, अंत और वायु शुद्धि करें, और कुछ देर के लिए बागवानी करें, गार्डनिंग करें, अगर नहीं संभव है तो कहीं पर प्रकृति पर का कुछ संरक्षण का प्रयास करें, और कुछ स्वाध्याय करें, कुछ अच्छे लिटरेचर का अध्ययन करें, और अपना खान पान जो है नियमित समय पर करें। इन चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे, ये व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है, और सर अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कोरोना महामारी के इस दौर में या पोस्ट कोरोना की बात करें, तो लोग योग से
मतलब जो इम्यून पावर आज कल इम्यूनिटी पावर की बात कर रहे हैं वो कैसे बढ़ाएं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आफ्टर कोरोना डेफिनेटली पीपल हैव टू फॉलो द वैदिक पथ एंड दे हैव टू कंसंट्रेट टू हैव वैदिक विजडम विद देम। जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है हजारों वर्ष पहले, देखिए भगवान राम आए 5000 वर्ष पूर्व, कई हजारों वर्ष हो गए भगवान कृष्ण आए, लेकिन उन्होंने जो जीवन शैली बताई भाई किस प्रकार हमारा दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार हमारा उठना जागना होना चाहिए, किस प्रकार हमारा खान पान होना चाहिए, ये अलग अलग जो यहाँ पर ऋषि मुनि जो आए हैं अलग अलग धर्मों के आए हैं, उन्होंने यही संदेश दिया विश्व मानवता को कि आप अपना दिनचर्या व्यवस्थित करिए। सबसे पहले जैसे आप बाहर जा रहे हैं कभी भी उठ जाना, कभी भी सो जाना, और कहीं पर भी खा लेना। और जो ये आजकल आप देख रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान शादियों में जो दिखावा कम हो रहा है वो कम हो रहा है, शादियों में बहुत सारे लोगों को बुला देना, फिर उसका अन्य अंधाधुंध प्रदर्शन करना पैसे का। और स्वरोजगार को छोड़कर जो आपकी बहुत बड़ी कंपेन आपकी है स्वरोजगार पर, मैं उसे सलाम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हर समय प्रतिदिन आप एक नई वीडियो को लेकर आ रहे हैं स्वरोजगार पर। अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ पर है स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, आप अपना अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करिए, कुटीर उद्योगों को, स्वावलंबन को, जो मोदी जी ने भी जो मंत्र दिए हैं उन पर आप काम करिए, न कि आप कहीं पर आप नौकर बनने के बजाय आप मालिक बनने का काम करिए। आप अपना काम खुद को खुद पर ध्यान दीजिए, स्वयं स्वस्थ रहिए, और एक स्वस्थ जीवन शैली में जीते हुए लोग क्या करते थे, कहीं हम जाते थे टिफिन शेयर करके खा लेते थे। भाई आप सात्विक आचरण में रहते हैं, हो सकता है सामने वाला सात्विक आचरण में न रहता हो। एक बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक संत कहीं गए हुए थे, तो वो किसी के यहाँ से उनको दान आया था, तो दान का उनने चावल से उनने खीर बनाई, आपको पता होगी, तो खीर खाते ही उनके मन में ख्याल आने लगा कि भाई मैं राजा की हत्या कर दूँ, राजा की हत्या कर दूँ। तो अगले दिन जब उन्होंने वमन किया, नित्य कर्म उन्होंने किया, उसके बाद वो ख्याल आ गया। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा जो ऋषि थे कि मेरे मन में ख्याल क्यों आया, तो उन्होंने ये बताया कि तू जो चावल जो भिक्षा में तुझे मिले थे वो एक चोर एक डकैत के घर से तेरे पास भिक्षा आई हुई थी। तो कहने का मतलब होता है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोग रहेंगे तभी अब इस कोरोना से बच पाएंगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा वापस कोरोना जैसी महामारी, देखिए प्लेग आया था, हैजा आया था, और ये अनेक अनेक बीमारियां आई हैं, अनेक अलग अलग रूपों में बीमारियां लौट के आने में भी देर नहीं लगी। लोगों को अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम स्वरोजगार को इतना देखिए, इस समय पूरा हमारे पहाड़ों पर देखिए आप लोग लौट कर आ रहे हैं, जहां लोग अपने गाँवों को छोड़ के चले गए थे उन गाँवों को दोबारा लौट कर आ रहे हैं, वहां पर दोबारा उन्हें सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को एक स्कीम अलग से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे हम स्वरोजगार उन्हें दे सकते हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। पहले स्वयं स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपनी दिनचर्या ठीक करें, योग आयुर्वेद इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो व्यूअर्स मैं चाहूँगा और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और योग को अपनाएं। सर गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी दीपक जी मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन पूरी टीम्स को मैं टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाह रहा हूँ, इस चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं, हम पुनः आपको कुछ टेक्निक्स को लेकर आएंगे आने वाले वीडियो में, जिसमें हम आपको कोरोना से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय बताएंगे, सूर्य नमस्कार की टेक्निक्स बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, मुद्रा बताएंगे, बंध बताएंगे, सटकर्म बताएंगे। तब तक देखते रहिए गुरुजी उत्तराखंडी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो व्यूवर्स आप कोरोना से बच के रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।